इस दुनिया में कुछ ना कुछ घटना होती रहती है जिसे हम किसी ना किसी की मदद करते हैं। हम सभी में हीरो मौजूद रहता है। जरूरत पड़ने पर हम लोग दूसरे लोगों के काम आते हैं, भले ही एक दूसरे से अनजान ही क्यों न हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दुर्भाग्य से जानवर भयानक परिस्थितियों में फंस जाते हैं। लेकिन हम इंसानों के अलावा भला कौन इन बेजुबानों की मदद करेगा। आज हम आपको जानवरों के बचाव से कुछ ऐसे ही आश्चर्यजनक किस्से बताएंगे जिससे इंसानियत मानवता में आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। पानी या भोजन की तलाश में जंगल से भटकते हुए तेंदुओं का भारत में आबादी वाले क्षेत्रों में आना आम बात है। तेंदुए बहुत शक्तिशाली और जानलेवा जीव है जो समय समय पर लोगों पर भी हमला कर देते हैं। लेकिन अक्सर ये पानी की तलाश में या शिकार करते वक्त सूखे या पानी से भरे कुएं में भी गिर जाते हैं और बिना मदद के उनकी मौत तय होती है। ऐसी ही कुछ घटना मध्य प्रदेश में घटी जब रात में एक तेंदुआ शिकार की तलाश में गलती से पानी में भरे कुएं में गिर गया। सूखा कुआ होता तो गहरी चोट भी लग सकती थी। रात भर ऊपर चढ़ने की जद्दोजहद में वो पूरी तरह थक और डर गया था। बेहोश करने पर डूबने का भी खतरा था और जीते जी बाहर लाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वो हमला भी कर सकता था। गांव वालों ने वन विभाग के अधिकारियों संग मिलकर सीढ़ी के जरिए उसे बाहर निकालने की ठानी और बांस की एक जुगाड़ सीढ़ी बनाकर कुएं में डाली। तेंदुआ भी समझ गया कि शायद उसकी मदद की जा रही है। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर सीढ़ी को तेंदुए के ज्यादा नजदीक रखा जाता तो चढ़ाई करना मुश्किल होता, इसलिए 35 डिग्री के एंगल पर उसे रखा गया। वो तेंदुए से थोड़ी दूर थी। तेंदुए ने भी हिम्मत बटोरी और दो तीन असफल प्रयासों के बाद वो सीधा चढ़कर बाहर आ गया। और ये कोई इकलौता मामला नहीं है जब तेंदुए कुएं में गिर गए हो। ऐसे ही भारत में अलग अलग स्टेट्स में कई बार हुआ है और आधुनिक सुविधाओं के अभाव में भी अलग अलग जुगाड़ तरीकों जैसे कभी खाट या कभी सीढ़ी से अपनी जान पर खेलकर उन्हें हर बार बचा लिया गया है। इसलिए वन अधिकारी और उन लोगों के साहसिक और नेक काम के लिए लाइक तो बनता है दोस्तों। केरल में जहां एक गर्भवती हथनी की निर्ममता पूर्वक की गई हत्या इंसानियत को तार तार करती है, वही उस केरल में घटी यह दूसरी घटना इंसानियत की उम्मीद आज भी कायम रखती है। केरल के थाटाकड़ में एक हाथी का बच्चा नदी पार जाने के दौरान झुंड से अलग होकर लावारिस कुएं में गहराई में गिर जाता है। बार बार ऊपर आने के प्रयासों में असफल होने पर बच्चा डर से रोना शुरू कर देता है। गांव वालों द्वारा वन अधिकारियों को बुलाया जाता है और बचाव अभियान शुरू होता है। वही उस हाथी का परिवार उम्मीद में पास ही मंडराता रहता है। 4 घंटे इस चले ऑपरेशन में एक्सकेवेटर द्वारा खुदाई की जाती है और धीरे धीरे मिट्टी गिराकर बच्चे के चढ़ने लायक रैंप बनाया जाता है जिसकी मदद से वो बाहर सुरक्षित आता है। दूसरा दिल पिघलाने वाला पल तब घटा जब हाथी का परिवार और बच्चा एक दूसरे की तरफ मिलने भागते हैं, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं हाथी एक बहुत ज्यादा सामाजिक जीव है और चाहे इंसान हो या जानवर, माँ तो माँ होती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अपने बच्चे को सही सलामत पाने के बाद हथनी माँ लोगों की तरफ कृतज्ञता से शुक्रिया अदा करने के लिए अपनी सूंड हवा में कई बार लहराती है। इसके अलावा तमिलनाडु के ऊटी में एक फॉरेस्ट ऑफिसर शरद कुमार ने नहर में फंसे हुए हाथी के बच्चे को बचाया। जब उसे निकाला जा रहा था उस दौरान वो डर गया था और बेकाबू होने लगा। फिर किसी तरह से उन्होंने उसे निकाला और कंधे पर उठाकर सुरक्षित उसकी माँ से मिला दिया। शरद कुमार ने बच्चे को कंधे पर उठाकर करीब 50 मीटर का सफर तय किया था। उसका वजन शरद से भी ज्यादा करीब 120 किलोग्राम था। स्ट्रीट डॉग्स को अक्सर उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है जबकि पेट्स के इंसानी बच्चे जैसी केयर की जाती है, लेकिन कुछ मामले अपवाद भी है। एक डॉग के 3 मासूम बच्चे गलती से तारकोल में सन गए और वहीं फंस गए। पहला बच्चा जब तारकोल में गिरा और हिल डुल न पाने के कारण चिल्लाया तो बाकी के 2 बच्चे उसको देखने या बचाने आए और खुद भी उसी तारकोल में फंस गए। जब एनिमल एड अनलिमिटेड को इसकी जानकारी हुई तो रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पहुंची और वहां का हाल देखकर दंग रह गई। घंटों से फंसे पिल्ले हिल भी नहीं पा रहे थे और डर और दर्द से कराह रहे थे। बड़ी बारीकी से उन्होंने वहां से निकाला और फिर शेल्टर ले जाया गया। वहां पहले तो काटकर एक्स्ट्रा तारकोल को निकाला गया और तेल से मालिश और नहलाकर धीरे धीरे बालों पर पकड़ बनाए हुए तारकोल को कई दिन तक साफ किया गया।
और कुछ दिनों बाद इनके प्यार और देखभाल की बदौलत ये पिल्ले न केवल बिल्कुल साफ हो गए बल्कि उस घटना से उबर भी आए। इसके बाद एनिमल एड अनलिमिटेड इनकी माँ को भी ढूंढ कर ले आए। माँ को पाकर और इतनी बड़ी दुर्घटना से बचकर इन पिल्लों की मस्ती आप भी सोच सकते हैं कितनी हुई होगी। इसके लिए एनिमल एड अनलिमिटेड जैसे संस्थाओं का तहे दिल से शुक्रिया। हिरण या कुत्तों में बर्फ या उसके नीचे अपनी परछाई का पीछा करना जैसी हरकतें अक्सर दिखाई देती है। कुछ ऐसा ही ओक्लाहोमा में हुआ जब एक सफेद पूंछ वाला हिरण जमी हुई बर्फ में फंस गया। हिरण नजदीकी किनारे से 22 मीटर की दूरी पर था। कमजोर बर्फ की परत के कारण बचाव दल का हिरण तक चल के जाना भी बहुत खतरनाक था। बचाव दल की उस तक पहुंचने की हर संभव कोशिश विफल हो गई। बचाव दल ने दुर्भाग्य से ये भी सोचा कि इसे मौके पर ही मार दिया जाना ठीक है ताकि उसे और दर्द और डर न सहन करना पड़े। लेकिन वे इस बेचारे हिरण को एक आखिरी बार बचाने की कोशिश फिर करना चाहते थे। इस बार इसके लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर हिरण को डराने और बर्फ को छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर करने की कोशिश के बारे में सोचा। हेलीकॉप्टर के पास आने से हिरण घबरा गया। उसने उठने की कोशिश की लेकिन फिर गिर गया। चिकनी बर्फ पर हिरण बिल्कुल असहाय था। वैसे भी बर्फ पर गहरे खरोंच के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे। उधर बचाव कर्मियों ने देखा कि जब हिरण उठने की कोशिश कर रहा था तो हेलीकॉप्टर के 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवा ने हिरण को बर्फ के पार धकेल दिया था। लेकिन उसका अगला पैर फिर से बर्फ में फंस गया। अब सभी की समझ में आ गया था कि वह बेबस और लाचार हिरण अब नहीं बचने वाला। लेकिन इन सब के बावजूद हिरण ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह पानी के ऊपर अपना सिर रखने में कामयाब रहा और सभी परिस्थितियों के विपरीत फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने सामने के पैरों को बर्फ से बाहर निकालने में सफल रहा। अब इस स्थिति में हिरण को हवा से बाहर धकेलने की कोशिश करने का फैसला लिया गया और इस प्रकार उसे किनारे पर लाने की कोशिश करने शायद उसमें बचाव में सफलता मिल जाए। इसके लिए हेलीकॉप्टर को बड़ी तेजी से एक्सलरेट किया गया जिससे तेज हवा मिल सके। इससे बर्फ की परतों पर हिरण फिसलने लगा और कुछ ही पल में हिरण किनारे पर था। इधर हिरण भी झटपट अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जंगल में भाग गया। यह दिल छू लेने वाला दृश्य था और सभी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। पर्यावरण में संतुलन बनाने की सजा शार्क इंसानों का पेट भर के चुपचाप भुगत रही है। कई देशों में इनका शिकार बैन होने के बावजूद पैसों को लिए इन्हें मारकर बेच दिया जाता है। लेकिन शायद अभी भी इंसानियत अपना वजूद कायम रखे हुए है जिसका जीता जागता उदाहरण है 2015 में घटी वो घटना जब एक 11 फुट लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क को व्हाइट क्रेस्ट बीच यूएसए पर बेबस पाया गया। ये शार्क काफी अंदर तक शायद हाई टाइड के कारण बीच पर फंस गई। जैसे ही बीच पर घूमने वाले लोगों को इसके बारे में पता चला सब मिलकर इसको बचाने की मुहिम में जुट गए। बच्चों की सैंड कास्टल बाल्टियों का उपयोग करते हुए भीड़ ने लगातार शार्क के ऊपर पानी डाला ताकि वो जीवित रहे। इतना ही नहीं शार्क को आसानी से समुद्र तक वापस भेजा जा सके इसके लिए सब ने मिलकर रेत में एक लंबा चैनल खोदा जिसके जरिए भीड़ ने टीम वर्क के जरिए घसीट कर शार्क को समुद्र तक पहुँचाया। लेकिन ये इंसानियत का अकेला उदाहरण नहीं है। दुनिया भर के देशों में लोग समय समय पर बीच पर फंसने वाली शार्क्स को बचाने का हर संभव प्रयास करते देखे जा सकते हैं। भारत में भी एक शख्स है जिनका नाम है दिनेश गोस्वामी। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही इन्हें बचाने में खर्च कर दिया है। वो अब तक 500 से अधिक व्हेल शार्क को बचा चुके हैं। साल 2011 में माइकल फिशबैक उनके परिवार व दोस्तों को समुद्र में छुट्टी बिताते वक्त एक ऐसा मौका मिला जो उनके साथ पूरी दुनिया के लिए यादगार बन गया क्योंकि किस्मत से पूरा वाकया वीडियो टेप में फिल्मा लिया गया। माइकल व उनके दोस्तों को पानी में एक भारी भरकम हम्पबैक व्हेल दिखाई दी क्योंकि वो सतह पर लगातार बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने ब्लो होल से सांस ली तो उन्हें समझ आ गया कि कुछ और ही मांझ रहा है। यह जानने के लिए माइकल फिशबैक ने पानी में जाने का फैसला किया। जब वो पानी में उतर के वहां गए तो उन्होंने देखा कि व्हेल के फिन फिशिंग नेट में फंसे हुए हैं। एक घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद वो नेट को काटकर व्हेल को आजाद करने में सफल रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रेस्क्यू के अगले एक घंटे तक उन्होंने व्हेल को उनके बोट के आसपास लगभग 40 बार अपनी पूंछ को पानी के ऊपर लहराते हुए और गोता लगाते हुए देखा। माइकल के अनुसार शायद वो उन्हें थैंक्स बोलने के लिए लगातार उनके आसपास ऐसा कर रही थी।
कजाकिस्तान के अलमाटी शहर के कैनाल में फंसा एक डॉग धीमी गति से बहते पानी में अपने पंजे को स्थिर रखने के लिए संघर्ष कर रहा था और थकान से पानी में डूबकर उसकी मौत तय थी, लेकिन शायद आज नहीं। एक आदमी उसे बचाने की ठानता है, लेकिन कैसे ये सोचे बिना वो कैनाल में उतर जाता है। उस शख्स की हिम्मत और दरिया दिली देखकर तीन और अनजान लोग उन्हें ऊपर खींचने के लिए ह्यूमन चैन बनाने का फैसला करते हैं। फेंस को पकड़कर वो कैनाल में उतरते हैं, लेकिन चेन अभी भी छोटी थी और नीचे खड़ा शख्स उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। काफी मशक्कत के बाद भी बात नहीं बनी, लेकिन तभी वहां एक जॉगिंग कर रहा पांचवा शख्स एंट्री लेता है, जिसकी मदद से चेन पूरी नीचे उस आदमी तक पहुंच जाती है। ऊपर खड़े लोग भी फेंस के पास खड़े आदमी को पकड़कर मदद करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर उसी पर था। बेहतरीन टीम वर्क की मदद से उस डॉग की जान बचा ली जाती है। ऐसा ही कुछ भारत के हैदराबाद में हुआ, जब एक हिम्मती डॉग की जान चार लोग अपनी जान पर खेलकर तेज गति से बहते पानी में ह्यूमन चेन बनाकर बचाते हैं। हम इंसानों की असली पावर यही है, जब वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और एकजुट होकर एक नेक मकसद के लिए एक साथ आगे आते हैं। जानवर भले ही इंसानों की भाषा न समझे, लेकिन वो प्यार की भाषा जरूर समझते हैं। अगर एक बार वो आपकी देखभाल और प्यार को समझ गए, तो उनसे अच्छा दोस्त तो कोई और हो ही नहीं सकता। यही अपनापन उनसे आपको जोड़ता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आप भी किसी ऐसे जीव को मुसीबत में देखेंगे तो उसको जरूर मुसीबत से बाहर निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।